अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम कुछ सवालात पे बात करेंगे बाबर आजम के मुतालिक। आप देखते हैं कि कौन से सवाल का आंसर सही दे पाते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। बाबर आजम ने किस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018। जवाब है ऑप्शन सी 2016। बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इनफरादी स्कोर क्या है? ऑप्शन ए 119, ऑप्शन बी 143, ऑप्शन सी 185 या ऑप्शन डी 200। जवाब है ऑप्शन डी 200। बाबर आजम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बाबर अली आजम, ऑप्शन बी बाबर अहमद आजम, ऑप्शन सी बाबर आजम, ऑप्शन डी बाबर आजम। जवाब है ऑप्शन बी बाबर अहमद आजम। बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में कितनी सेंचुरियां स्कोर की? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 11। जवाब है ऑप्शन ए 3। बाबर आजम का वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इनफरादी स्कोर क्या है? ऑप्शन ए 139, ऑप्शन बी 155, ऑप्शन सी 162 या ऑप्शन डी 176। जवाब है ऑप्शन बी 155। बाबर आजम ने वनडे में कितनी सेंचुरियां स्कोर की? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। जवाब है ऑप्शन डी 15। बाबर आजम ने किस साल वनडे डेब्यू किया? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015 या ऑप्शन डी 2016। जवाब है ऑप्शन सी 2015। T20 बाबर आजम का सबसे ज़्यादा इनफरादी स्कोर क्या है? ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन सी 126 या ऑप्शन डी 143। जवाब है ऑप्शन सी 126। बाबर आजम ने T20 में कितनी सेंचुरियां स्कोर की? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 3। जवाब है ऑप्शन सी 2। बाबर आजम ने T20 का किस साल डेब्यू किया? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2017। जवाब है ऑप्शन सी 2016। बाबर आजम का वर्ल्ड कप मैच में सबसे ज़्यादा स्कोर क्या है? ऑप्शन ए 96, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 115, ऑप्शन डी 133। जवाब है ऑप्शन ए 96। बाबर आजम ने अपनी पहली टेस्ट इनिंग में कितने रन्स बनाए? ऑप्शन ए 69, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 71 या ऑप्शन डी 72।
जवाब है ऑप्शन बी 70। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अपने मनपसंद की पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। अगली वीडियो उसी पर होगी।